हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बड़ी जल्दी से बन जाने वाली गुड़ वाले चावल की रेसिपी। कभी भी मीठा खाने का मन करे, 10-15 मिनट मैक्सिमम इसे बनाने में लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में तो गुड़ वाले चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, गर्मियों में तो हम ज़्यादा गुड़ यूज़ नहीं कर पाते, तो सर्दियों में इसे बनाने का बहुत ही अच्छा मौका है। गुड़ वैसे भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सर्दी लगने से बचाता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसानी से बन जाती है रेसिपी, आप इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये मेरा रेसिपी अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। गुड़ वाले मीठे चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 गिलास चावल, ये तकरीबन 250 ग्राम चावल हैं, और 1 ही गिलास मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो जितने चावल हमने यहाँ पे लेने हैं उतना ही गुड़ लेना है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, और अगर ज्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच देसी घी, इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ही सूखा नारियल, थोड़े से यहाँ पर मैंने किशमिश ली है, थोड़े से बादाम लिए हैं जिसे मैंने बीच में से काट लिया है, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने हरी वाली सौंफ ले ली है, और 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी वाली इलायची ली है जिसे मैंने बीच में से तोड़ लिया है। और बाकी पानी जितना चाहिए, जितने चावल लिए हैं उसका डबल हम पानी ले लेंगे। जैसे 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो 2 गिलास मैं पानी लूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर को गर्म कर लिया है। चावल आज हम कुकर में बना रहे हैं, चावल को हम कढ़ाई में या पतीले में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे घी। कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ, कुकर में बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी से बन जाते हैं। कढ़ाई या पतीले में बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, आधे टाइम में ही हमारे कुकर में चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हम घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सौंफ और इलायची। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी सौंफ, हल्की सी सौंफ हमारी ब्राउन हो जाएगी, और साथ में ही हम इसमें इलायची भी ऐड कर देंगे। इलायची का भी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, आप इसमें थोड़ी सी मोटी इलायची भी डाल सकते हैं, और इसमें थोड़े से आप दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जो चीज़ें हमारे घर में ज़्यादातर अवेलेबल रहती ही हैं, तो खड़े मसाले कई बार अवेलेबल नहीं होते, तो जो चीजें हमें आसानी से मिल जाएं सिर्फ उसी चीजों को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो साथ में ही हम इसमें अपने ये ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालते टाइम हम अपना थोड़ा सा गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, क्योंकि एकदम से ड्राई फ्रूट जलने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा फ्लेम को हल्का करके तभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो बस 2 मिनट के लिए हम ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए इसे हल्के फ्लेम पर भून लेंगे, ज्यादा भी इसे ब्राउन नहीं करना। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भून चुके हैं, हल्के से ब्राउन हो गया, किशमिश भी फूलने लग गई है, तो बस और ज्यादा नहीं हम इसे भूनेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया 2 गिलास पानी, 1 गिलास चावल थे तो 2 गिलास हम यहाँ पे पानी लेंगे। आप चाहें तो गुड़ को पानी के अंदर घोलने के बाद भी आप चावल में ऐड कर सकते हैं, और ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने पानी डाल दिया है इसमें, तो साथ ही हम इसमें गुड़ भी डाल देंगे, क्योंकि गुड़ को भी हमें मेल्ट करना है, तो साथ ही हम गुड़ भी इसमें ऐड कर देंगे। और हल्का सा जब गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल को भी मैंने पहले आधा घंटा पहले भिगो लिया था, भिगोना बहुत ही जरूरी है। अगर हम 20-25 मिनट आधा घंटा चावल को भिगोएंगे तभी हमारे चावल अच्छे से गलेंगे, क्योंकि मीठे के साथ चावल को गलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम भिगो लेंगे चावल, तो हमारे चावल आसानी से गल जाएंगे। तो भिगोना काफी ज्यादा जरूरी है मीठे चावल को कुकर में बनाने के लिए। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई या पतीले में बनाए तो बिना भिगोए भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मीठा हम बाद में ऐड करते हैं, तो कुकर में हम मीठा साथ में ही ऐड करेंगे, इसलिए हमें चावल का भिगोना काफी जरूरी है, नहीं तो चावल में थोड़ी सी कमी या थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो हल्का सा गुड़ देखिए हमारा मेल्ट होने लग गया है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, तो जल्दी से गुड़ मेल्ट होने वाला है। जैसे ही पानी में हमारा बॉईल आने लगेगा उसके बाद हम जो चावलों में पानी डाला है उसे निकालने के बाद हम चावल इसमें ऐड कर देंगे।
गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है और गुड़ के बिल्कुल भी टुकड़े इसमें नजर नहीं आ रहे, तो अब हम इसमें नहीं चावल ऐड कर लेते हैं। तो चावल में से मैंने पानी निकाल दिया है और हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं चावल। सिर्फ चावल को भिगोने में जो टाइम लगता है वही टाइम हमें चावल बनाने के लिए चाहिए। बस पहले से हम चावल को अगर भिगो दें तो 10 मिनट में हमारे चावल ये बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी गुड़ और गुड़ के चावल खाने में बहुत ही मजा आता है, तो गर्मियों में तो हम ज्यादा गुड़ नहीं खा पाते, तो सर्दियों में हम इसे बनाकर जरूर खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं और गुड़ हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हल्का सा उबाल आएगा और हम इसका ढक्कन का कुकर का ढक्कन हम बंद कर देते हैं। हल्का सा बॉईल आने लगेगा तभी हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। तो देखिए हल्का हल्का पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम अपने कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे एक सीटी कराएंगे। ज्यादा सीटी भी नहीं करानी क्योंकि चावल ज्यादा गल जाएंगे, तो सिर्फ एक ही सीटी हमें करानी है इसमें। एक सीटी कराने के बाद हम पूरी अच्छे से स्टीम निकलने देंगे। तो हम अपनी सीटी आने का वेट करते हैं। कुकर को हमारी सीटी आ चुकी है, अच्छे से हम इसे स्टीम निकलने का वेट करते हैं। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा कुकर तभी हमें खोलना है। पहले खोलेंगे तो चावल हमारे कच्चे रह जाएंगे, तो बिल्कुल अच्छे से स्टीम निकल के बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम चावल को खोलेंगे। तो स्टीम अच्छे से हमारी कुकर की निकल चुकी है। अब मैं एक बारी कुकर का ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं चावल कैसे बने हैं। देखिए भाप भी अभी भी निकल रही है चावल में से, तो एक बारी हम करछी से चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से अच्छे से चावल हमारे खिले खिले, देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो पहले हम थोड़ा सा साइड से इसे हिलाएंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए कितने बढ़िया से हमारे चावल बनकर तैयार हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। ऐसा नहीं है कि चिपके चिपके से चावल बने हैं अगर हमने कुकर में बनाए हैं तो हम मम्मी से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया चावल हमारे बनकर तैयार हुए। थोड़े से मैंने बादाम इसमें ऊपर से और गार्निश कर दिए थे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। खुशबू तो इसकी इतनी बढ़िया आ रही है कि अभी खाने का मन कर रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मैं भी फटाफट से इस रेसिपी को कंप्लीट करके चावल खाने की तैयारी करती हूँ। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, कैसे बने हैं आपके चावल मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलते मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।